गुरु पूर्णिमा का दूसरा दिन है। कल ब्रह्मत्व की सृष्टि आपको कर दी थी, जिस भजन माला को आपको मैंने तादाद में पहनाया और आज साधना करवाई। मैं आपको ऐसा सशक्त करना चाहता हूं कि कोई भी साधना में या किसी गुरु कार्य में आपको किसी प्रकार की अड़चन ना हो, उसके लिए आप शक्ति संपन्न हो, सामर्थ्यवान हो और आगे आपके जीवन में कोई अड़चन ना आए, इसके लिए मैंने पहले ब्रह्म की स्थापना की, सृष्टि की, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता कहलाए हैं। जिस माला को आप पहने हैं वो माला आपके शरीर में वो चेतना जागृत करती है कि मुझे कोई कष्ट कोई संकट भी आ जाए, मैं गुरु कार्य में कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं साधना करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा, और इसमें अटकना है तो चाहे पंच महाभूत भी मेरे ऊपर अपना प्रभाव बताए, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकते। इसके लिए शक्ति चाहिए, वही शक्ति चाहिए, इस शक्ति की साधना मैंने कल करवाई थी और आपको वो बड़ी माला पहनाई। हमारे जीवन में अड़चनें तो आती हैं, साधना करते हमारा शरीर जर्जर होना, हमारे शरीर में बीमारियां आना, हमारे घर के लोग अपने अनुकूल नहीं होना या हमारी प्रकृति अनुकूल नहीं होना, या फिर हमारे करने वाले व्यापार में या किसी में ऐसी दुविधाएं घटनाएं घटना जो हमें साधना करने के लिए अड़चन पैदा करने वाले कहलाए जाते हैं, उस समय हमारा शरीर उन सभी को जवाब देते हुए कहे कि मैं गुरु कार्य कर रहा हूँ, मैं गुरु कार्य कर रहा हूँ, आप कोई मुझे या कोई बिगाड़ नहीं सकते। मैंने इससे पहले भी आपको बताया, हम गुरु के पास जाकर यह कहें कि गुरु जी मैं बहुत बड़े कष्ट में हूँ, बहुत कष्ट मेरा बहुत है जी, बड़े कष्ट में हूँ, ऐसा अगर कहते हैं तो गुरु उनको देखकर हंसते हैं। अरे इस संसार में कभी तो ये तो बोल के देख कि गुरु बड़े हैं कष्ट बड़े नहीं हैं, गुरु सबसे बड़ा होता है, एक बार गुरु को बड़ा बोल के कष्ट छोटे लगेंगे, लेकिन कष्ट को बड़ा बोलेगा तो गुरु को छोटा कर देगा। इस बात को ध्यान में रखें, एक बार कभी आने से पहले बात बोल दे कि प्रभु मैं कष्टों से गुजर रहा हूँ और आप महान बड़े हैं, मेरे कष्टों को एक मिनट में लात मारकर हटा लो, लेकिन कभी अगर अपने गुरुओं को बढ़ाई करते हुए बोलता है तो गुरु को हंसी आती है मेरे ऊपर कि तू अपने गुरु से भी किसको बड़ा कर रहा है, किस चीज को बड़ा कर रहा है, कभी गुरु को बड़ा कर गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, तेरे कष्ट छोटे हैं, लेकिन तुम कभी भी मेरे पास आता है तो गुरु बहुत परेशानी में, बहुत बड़ी परेशानी में, अरे एक बड़ी परेशानी गुरु से बढ़कर नहीं है, कभी गुरु को बड़ा करके देख कष्ट दुख दर्द छोटे हो जाते हैं। हम देखा किसे कहते हैं, किसे इस संसार में महान मानते हैं, महान कष्ट नहीं होते, बड़े कष्ट नहीं होते, कष्ट महान होना या बड़ा होना केवल गुरु को ही प्राप्त है, देवताओं को भी प्राप्त है, देवताओं से भी बड़ा है महान है तो गुरु है, उन्हें उसने बताया, गुरु ने मार्ग बताया। इसलिए कबीरदास जी जो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े ताके लाल पाए बलिहार गुरु आपने गोविंद की योग्यता, हमें मुझे कृष्ण बड़ा नहीं है, अगर गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं तो मैं पहले मेरे गुरु चरणों को छूंगा, क्योंकि उन्होंने गुरु को बताया है और गोविंद भी मानते हैं, तो अगर गलती से मेरे छू लिए गुरु खड़ा है तो गोविंद को नमस्कार करते हैं, गोविंद नमस्कार स्वीकार नहीं करते, कहते ही नहीं कि उन्हें गुरु का अपमान किया, मेरे को अपमान नहीं होता क्योंकि उस गुरु ने मुझे बताया है। हम ये भाव लेकर जब चलते हैं तो हम इस संसार में बड़ा क्या चीज है, महानता क्या है, इसे श्रेष्ठता कहते हैं, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए, ये इस ज्ञान को लेकर हम चले। मैं यही बात कल दोहराते हुए कह रहा था कि हमारे जीवन में हमने बहुत सारे, आज आपने यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं उसमें अगर मैं कहूँ कि 99% कोई 1% ऐसा होगा कि अपने जीवन को निस्वार्थता से गुरु की शरण में अर्पित किया होगा और कहा होगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपकी सेवा, आपका जीवन, आपकी सेवा कोई नहीं चाहिए, ऐसा करने वाला बहुत कम मिलता है, और कहा भी एक मिनट के पहले कह देगा कि गुरु जी आप मेरे लिए सर्वस्व है, आप ही सब कुछ है, सब कुछ है, दूसरे मिनट के बाद गुरु जी मेरा बेटा पढ़ने जा रहा है, तो फिर सर्वस्वता की बात क्या होगी, गुरु जी हमारे धर्म में वास्तु दोष दिख रहा है, गुरु जी पैसा कम है, अरे तुझे अभी कहा तुम सर्वस्व है, अभी ये कहाँ से आया बाहर है, आपको पता है आप महाराष्ट्र के भी ज्यादा लोग लेने वाले शेगांव के गिरान महाराज के बारे में छोटी सी कहानी कही जाती है, लक्ष्मण जानकर नाम का एक आदमी होता है, उसको बहुत पेट दर्द भरने का कष्ट होता है, तो उसने विधान महाराज के पास जाता है तो उन्होंने अपने पास आम खाते खाते उसको दे दी और कहा कि ये आम खा ले करके, तो कहा कि आम खाने से उसका पेट बिगड़ जाएगा और भी बीमारी होगी, लेकिन ऐसा भी उसने लिया, उसकी बीमारी सारी दूर हो गई। तो ऐसे गजान महाराज उनके गांव को आए थे तो उन्होंने कहा गजान महाराज आपने मेरा सब कुछ दुख दूर किया है, आप आइए मेरे घर, बहुत प्रार्थना की और हरारी का ये सब आप ही का घर, आपका है, घर आपका है, आपने मेरे को जीवन दिया है, मैं आपका
सब कुछ आपका है, ऐसा कहा। गजाननाथ को बिठाया, बिठाने के बाद तिजोरी निकाली, उसमें से हजार हजार के नोट निकाले और गजाननाथ के सामने रखे। गजाननाथ ने कहा, अरे साले अभी तक तो सब मेरा था, अभी तिजोरी से पैसे खाने वाला मेरे पैसे मेरे को दे रहा है, लाख मारे और निकाल के गया, वो बात में जरूर हो गए। पैसा मेरा है, निकाल के कहां दे दिया, मेरी तिजोरी है तो मेरी तिजोरी में से दे देता है। कहा कि तुम बात करने से पहले मुझसे बहुत सचेत रहकर बात कर, आप क्या कह रहे हैं इसका आपको ज्ञान है, गुरु जानता है कि आप क्या कह रहे हैं। भावनाओं को जानने से पहले गुरु के सामने कोई ऐसी त्रुटि वाली बात नहीं करना चाहिए। सर्वस्व तुम अर्पण नहीं कर सकते, सर्वस्व अर्पण नहीं कर सकते, वैसे ही हो, मुझे इतना ही अर्पण कर सकता हूँ, मेरी शक्ति इतनी ही है, ये बात बोलो। लेकिन आप कहेंगे सर्वस्व अर्पण कर रहा हूँ तो गुरु आपका सर्वस्व दिखेगा क्या चीज है। कल मैंने जैसा कहा मनुष्य वैसे एक बार बाहर से कूदने की बात करेगा और वहां हटक गए, झिझक गए और वहां से फाप खड़े हुए, अरे यार उस गुरु के पास गया था यार, बाहर से कूदने के लिए मरने के लिए कह रहा था, ऐसा क्या गुरु है, गरीब बड़ी काम हो गया है, बात क्या है, अभी दूसरे गुरु को देखता हूँ। वो गुरु जो उसको एसी में बिठा कर 3,000 रुपये दक्षिणा लेकर बिठाता है और जब शांति देता हूँ, क्यों नहीं शांति होगी, 3,000 रुपये लिया गुरु के पैर में जेब में पड़ गए, एक अच्छे एसी रूम में बैठेगा तो यहाँ से ध्यान करते हुए, ध्यान क्या करते बैठता है सो जाता है, अब शांति ही शांति मिलेगी। बाद में आगे बैठा तुझे कैसा लगा, बहुत शांति से सो गया एसी के रूम में था, लेकिन जब फिर घर में जाता है तो फिर वही चक्कर फिर नजर आता है। वो ऐसी शांति क्या काम की, जो कि अपने को 2 घंटे के लिए 3,000 रुपये खरीदे हैं, हम एसी होटल में भी खरीद सकते हैं, हम अपने घर पेट के लिए शांति वह चाहिए जिसे आप अपने पास धारण करते हैं, कि जहां भी बैठे शांति अनुभव करे, जहां भी बैठे से अनुभव करे, और वो हो सकता है, और वो हो सकता है केवल गुरु मंत्र से। जो इसने गुरु मंत्र की धारणा की उसके सामने राक्षस भी आकर खड़े हुआ, पहाड़ भी आया, तूफान भी आया। आज मैं नए साधकों की जिन्होंने तक यात्रा करके 14 दिन 11 दिन शायद की तारीफ करता हूँ, उनकी उनकी प्रशंसा करता हूँ, उनका स्तोत्र करता हूँ, जैसे हम रूप देवताओं की स्तोत्र स्तोत्र करते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने मात लिया प्रकृति को, बारिश की कुछ भी हुआ वह चलते हुए आए और कहा कि हमारे प्रकृति के सामने बढ़े, हम तुम्हारे प्रकृति से नहीं डरते, हम हमारे चिंता के लिए पहुंचेंगे और पहुंचे। यह ज्ञान के बड़ा है, मैं किसी कष्ट से जुझे नहीं, कोई एसी में नहीं रहे, और मैं जब आया तो उनको पूछा, ठेके बेटे को नागपुर से पूछा, अग्रवाल जी को पूछा, बाड़ा भाई को पूछा, मैं किसी कांटेक्ट में भी रहते रहा, नरेंद्र जी से पूछा, सभी को पूछा, क्या क्या कष्ट हुई, उन्हीं बस आप हमारे साथ थे, हम आपके साथ शक्ति में आनंद के ज्यादा में कोई कष्ट नहीं हुआ, मुझे कितना आनंद होगा कि आप उनके जा रहे हैं। आपकी यह वाचा, आपका यह सत्य, आपकी उस श्रेष्ठता मुझे पता है, आप देखते हुए आए, मुझे पता है आप किस तरह चलते चलते समय आपको जैसे कैसी ठंडी लगी, लेकिन वह ऊर्जा हुई और आपने उस कष्ट को आनंद के साथ झेला, ये श्रेष्ठता है, ये ज्ञान शक्ति है, ये मनुष्य की शक्ति है। और जब तक गुरु मंत्र नहीं देता आदमी और अपने उसमें कष्ट सहने की शक्ति उसमें नहीं आती। गुरु मंत्र यह सिखाता है कि भगवान इंद्र ने चाहे श्राप दिया हो या कोई और देवताओं ने श्राप दिया हो या कोई ऋषियों ने श्राप दिया हो, गुरु अगर उसके साथ है तो उसका उद्धार करेगा ही करेगा, किसी भी तरह उनको मनाएगा ही मनाएगा, मनाएगा। योग्य गुरु चाहिए, इसीलिए कहा गया है गुरु का नीचे शिवे गुरु सुनाता गुरु बुद्धे शिव नहीं तस्मा सर्व प्रयत्न गुरु शरण बुझे। हमने शिव को तो नहीं देखा, लेकिन शिव का क्रोध अगर हो गया, शिव या ग्रहों का क्रोध हो गया तो गुरु कहता है कि शिव को किस तरह शांत करना है, शांत किया जाता है, मैं बताऊंगा तुम्हें, शांत करके बताऊंगा, शिव शांत हो जाएंगे, तुम्हारे काम हो जाएंगे। लेकिन गुरु क्रोध हुआ तो तुमने शिव को देखा नहीं, शिव आए ही नहीं, तो तुम्हें कौन रक्षा करेगा, रक्षा होगा तो केवल गुरु के कारण। और वो गुरु भी जो अपने वचनों से कहता है, मैं इस बार पत्रिका में लिखा हूं, पत्रिका में लिखा हूं, सोरा में उस्मान खान के बादशाह पूछ रहे थे क्या पूछे इस बार, गुरु हमारी बार कोई सेवा नहीं मिली, मैं बड़ा कल तक मैं उंगली पकड़ कर चलता था आपको, आप चलना सीखिए, आप मेरे सामने जब आप भागने लगे तो मुझे अच्छा लगा कि आप भाग नहीं चल रहे हैं, अब मैं क्यों उंगली आपको लूं, अब आपको पहचानना है, आपको मानना है कि आपको गुरु पूर्णिमा को क्या करना है, किस तरह आना, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आंसर नहीं दूंगा, गुरु पूर्णिमा में हाथ खड़ा है, मैंने उंगली लेकर 12 साल आपको चलना सिखाया है, अब मैं आपको दौड़ के आपको आना है, मैं नहीं बुलाऊंगा आपको, आपको नहीं कहूंगा कि मुझे क्या चाहिए, मेरे गुरु में शक्ति है और संपन्नता है, तो मैं आपसे यही जानता हूं कि आप आपके दिल से करें, आज आप बड़े हो गए हैं, आपको खाने का पता है, आपको अपने बच्चे बच्चों का पता है, नौकरी का पता है, क्या गुरु की गुरु पूर्णिमा का पता नहीं, गुरु बोले तुम्हारे को नहीं बोलना चाहिए, आप करना चाहिए, और सभी को यही बात कर रहा हूँ, अपनी गुरु पूर्णिमा से आप हो गए, मैं
मैं ये अनुग्रह पत्र का नहीं दे रहा हूं, आप शिष्य है तो आपको गुरु निभाना। मैं क्या विकल्प दे रहा हूं कि क्या कार्यक्रम है, मैं क्यों दू? मैंने तुम्हें सिखा था वो फल पत्र, वो वृक्ष तैयार किया है जो फल वाले वृक्ष तैयार हो गए। आज मैं फल बांटना, फल बांटने की शक्ति आई तब भी मैं बोलूं, तब भी आज भी पानी डालू ये भाग काम मैं नहीं करता। मुझे क्योंकि और भी और वृक्ष भी लगाना है, और तुम्हें भी सिखाया कि तुम भी और भी वृक्ष लगाओ और गुरु कार्य को आगे बढ़ाओ। और आपको बढ़ाने के लिए मैं आप पुराने लोगों को बुलाऊंगा नहीं, नए लोगों को भी बुलाऊंगा नहीं, उनको आपसे सीखना है कि आपने क्या कार्य किया और क्या कार्य करना चाहते। मैं एक बादशाह का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, बादशाह तो अपना कार्य करते रहे, करेंगे हैं और किए भी। उनका केवल पूछना था कि तुम्हें इस बात को मेरा मेनू नहीं बोलेगी क्या करना। मैं बोला मेनू क्यों बोलूंगा, मेनू आपको पता है, आप ला लो, आपको जो मेनू लाना है आप ला लो, मैं नहीं बोलूंगा। आपको मालूम नहीं है क्या क्या लाना है, यहाँ के कितने गुरु कैसा बैठा है, आज के साथ 8 साल हो गए आप आ रहे हैं, हर बार गुरु पूर्णिमा को गुरु आपका कार्य आप करें। मैं वही बात बता रहा हूँ, बच्चे थे हाथ का रूपी पड़ा ये पड़ेगा चला रहा सीखा, आप भाग रहे हैं आप मैं बुलाऊंगा, अभी नहीं बोलूंगा भी क्या करना है, आश्रम आपका है तो मैं कह मेरे साथ कल आश्रम लेके जाने वाला है, आपके लिए घर घर के रूप में छोड़ के जा रहा हूँ, आपकी साधनाओं के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपका आश्रम है, आप आश्रम के लिए क्या करना चाहिए आपका। मैं जाऊंगा तो मेरे साथ आश्रम जाने वाला नहीं, ये सारी चीजें मैं मेरे साथ ले जाने वाला नहीं, मैं केवल यहाँ गुरु जी को स्थापन करते हुए कह रहा हूँ, उनके चिंतन को लेके चले आप और आपके जीवन में आने वाला कल, अगर मैं एक दीप जलाऊं तो 1000 दीपों को जलाया हूँ, तो एक दीपक और 1000 दीपों को जलाए, 1,00,000 दीप हुए और स्वामी विवेकानंद की ज्योति सूर्य भी उसके सामने उसके प्रार्थना करो। और जब तक ये कार्य नहीं करता मैं वहीं से नहीं सुनूंगा ना आपको सुनने दूंगा। वासना अगर मेरे से छुपा कर भागना भी चाहे मैंने उन्हें पकड़ी है छोड़ूंगा नहीं, मैंने उन्हें पकड़ी है छोड़ूंगा नहीं। आपको तो खींचूंगा किस तरह खींचना भी आता है, कभी बिना डोर खींचता हूँ कभी डोर बन के खींचता हूँ, और वो डोर किसके देंगे कौन सी डोर है मुझे पता है, शिष्यों को कैसे खींचना जानता हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। ये लगाम से क्या लगाम से बात करते हैं, डेरी से बात करते हैं, मार्ग से बात करते हैं, शिष्यों को किस तरह खींचा जाता है ये मुझे पता है। ऐसे ही मुझे सारा बताया कि देख टुकुर जन्म में इसी कृष्ण को मैंने लिए दिया था, उसने संतान के लिए प्रार्थना की, उस जवन जन्म में संतान नहीं हुई, मेरे ऊपर गुस्सा करते हुए तुझे अपने प्राण त्याग दिए और इस जन्म में तुझे संतान नहीं हुई, आज मैं तुझे इस लड्डू गोपाल को दे रहा हूँ, आज आराधना करते आज तक के जितने भी तेरे पाप हुए मेरे ऊपर तूने जो क्रोध किया था लड्डू गोपाल को भी समुद्र में डालो ऐसा गया है 50 साल में कृष्ण भगवान कहाँ गया है। तब विश्वनाथ जी कहते हैं आज पूरी में जाकर भगवान मंदिर में बैठेंगे, भगवान मंदिर में बैठे उस बुढ़ी अवर के लिए अपने पांच शिष्य के लिए उन्होंने एक चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाया और कहा कि मैं एक बुढ़ी अवर तेरे लड्डू गोपाल कृष्ण संतान को तेरी संतान जो है आज से वो तेरे साथ रहेंगे और तेरे साथ ही सारा कार्य करेंगे, तेरे संतान का सुख तुझे प्रदान करेंगे। बोले ये ऐसा है जन्म में भी बोले इसी जन्म में 50 साल में भी संतान देने वाले ये भी को ऐसे भी को हमें मिलते हैं उसका कारण। उन्होंने एक चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाया और कृष्ण जी ध्यान मग्न हो गए जैसा ही हुए वो औरत देख रही थी कि भगवान कृष्ण उस सफेद चौकी पर आके बैठे और अपना पांव एक ऊपर और एक नीचे डालकर बैठ गए, जो छोटे बालक उसको देखते हुए ध्यान पर अपने बाजू में सब लोग वैसे भी वो भूल गई कृष्ण को देख रही थी। ये ऐसे भाव रहे थे कि जैसे उनको तिलक करें, जैसे उनको नहलाएं, उनको लाकर अपने मक्खन खिलाएं, मक्खन के लिए इधर उधर घूमने लगी, भागने लगी, गाय मक्खन खिलाए, सब कुछ देखने लगे। सभी शिष्य बालों में बैठे थे बुढ़ी क्या कर रहे इधर उधर सब घूम रही है, उसे दाना नहीं ध्यान में उनको अभी अब डिस्टर्ब करूँ तो अच्छा नहीं, और ये एक औरत इधर उधर भाग रही क्या कर रही। सभी लोग आए, उसने कृष्ण को अपने मक्खन खिलाने के बाद अपनी सिर को लगाया और कृष्ण कहते हैं चल घर चलेंगे, कह रहे हैं प्रभु मैं घर जाकर कृष्ण को लेके सब बड़े देखते थे कहाँ कृष्ण बुढ़ी पागल हो गई है। तो कृष्ण विद्धन ने कहा बुढ़ी पागल नहीं हुई है, उसके साथ साथ कृष्ण के फिट है, आप देखना चाहते हैं उस कपड़े पर देखो सफेद कपड़ा चौकी पर बिछाया हुआ वहाँ देखते हैं तो उनके कृष्ण की छोटे से जो बलचिन्ह आ गए हैं, और अगर आप विद्धन आश्रम में जाएंगे तो वो बलचिन्ह वाला कपड़ा आज भी विद्धन आश्रम में है जिस बुढ़ी को कृष्ण रूप कृष्ण के रूप में उन्होंने दर्शन दिया था
आज भी आप जाकर देख सकते हैं। मैं इसका उदाहरण इसलिए दे रहा था आपको कि गुरु एक बार अगर योग्य शिष्य को उंगली पकड़ता है तो कितना भी गुस्सा कर कितना भी तुझे तो वहां ले जाऊंगा, मैंने जो तेरी इच्छा है उसको पूर्ण करके करवा के रहूंगा। तेरे में अनुमान हो सकता है, तेरे में संशय हो सकता है, मेरे को तेरे को शिष्य करने में कोई संशय नहीं है। मैं तेरे साथ हर बार रहता हूँ, एक बार छड़ी पकड़ के रहूंगा तो एक बार माला पकड़ के रहूंगा, एक बार लड्डू पकड़ के रहूंगा, किस तरह रहता हूँ मुझे मुझे करना मिला है, मुझे किस तरह से बिठाना मुझे आता है, मुझे किस तरह लेना मुझे आता है। विशुद्धानंद जी में विशुद्धानंद जी ने ये जन्म भी ऐसे ही कार्य किए। तुम्हारे पूर्व जन्म में कहीं कुछ रह गया हूँ, तुम्हारे विस्मृत में गेटे में फाफड़े में चलते हुए आगे आगे चले गए। अगर आप पहचाने तो जन्म को पहचानेंगे, नहीं पहचाने तो फिर जन्म लेना पड़ा, फिर अनुमान करें, फिर संशय उत्पन्न हुआ, फिर हुआ तो फिर हम वही बात कहते हैं कि मैं रास्ता बता रहा था इसी चेतना के लिए किधर किधर जाना है। नैने गिरी हम जरा शीशे अंतर जाते आ रहे हैं, जरा हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी देख के आ रहे हैं, देख के और बेटा फिर निखिल चेतना केंद्र को जाना है। रामोजी फिल्म सिटी देखी फिर हम उस्मानाबाद चले गए, फिर निखिल चेतना केंद्र आने के लिए 2 साल लग गए क्योंकि गुरु को लगा अरे रामोजी फिल्म सिटी भी से भी अच्छा है, लेकिन यहाँ देख रहे यहाँ सब वो चित्र दिखेंगे जो प्राकृतिक है, वहाँ जो चित्र दिखेंगे तो ये वो आध्यात्मिक वाली भक्ति बनाए वाली चीजें हैं, यहाँ बनावटी धंधा नहीं होता, यहाँ जो कुछ होता है प्राकृतिक होता है। और इस प्रकृति में जब तक तू आनंद अनुभव नहीं करता तुझे वो उस दिन मालूम होगा कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। इस बात का जो धारणा, इस बात की जो शक्ति, इस बात की जो विद्या प्रदान करते हैं कि पूर्व जन्म से आज तक क्या हुआ, क्या करना है, पूर्व जन्म में आप कौन थे, किस तरह क्या करना है, इसका ज्ञान केवल गुरु को नहीं आपको भी दिलाने की कोशिश करते हैं। अब यही काम सिद्धार्थ की योगी कर रहे हैं, यही काम सिद्धार्थ की योगी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एक विचित्र सा अनुभव होता है, अभी भी मैं सुनता हूँ बहुत सारे लोग गुरु अरे क्या लीडर हो गए गुरु, मैं सुबह से शाम तक सारा पैसा ब्लैक मनी कमाता है, मर्डर किया जितने भी वो आज एमपी बन के बैठा हुआ, वो मिनिस्टर बन के बैठा हुआ। अब गुरु को तो पता है कि वो क्या है, तो गुरु ने पूछा जान लेना उसका कार्य कर रहा है, उसका उसका वो भोगेगा। लेकिन इसके इसमें उत्सुकता है ये कि मैं इतना अच्छा गुरु मंत्र जप कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सारा ध्यान कर रहा हूँ, उसके हाथ के नीचे काम कर रहा हूँ और टीचरी कर रहा हूँ, वो सब धंधे ही जाए, सब बुराई धंधे करके एमपी बन के बैठा हुआ है और मैं गुरु ही बोलते देखते रहे क्या देखे काम देखे ये पता नहीं। वो गते जन्म में मेरी सेवा करते करते हुए ये पूछ के बना सकते, ये जब अपने आप को मन पर कटोल कर देखें तब कहीं हम कह सकते हैं कि हमने समर्पण समर्पित हुआ। ऐसी ही भाषा, ऐसे है, ऐसा ही दिन, ऐसा ही व्यक्तित्व, ऐसी स्थिति हर एक के जीवन में, मेरे जीवन में भी थी, आपके जीवन में भी है और आने वाले जीवन में भी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप में हर दम एक प्रश्न उठता रहता है, गुरु जी आज आपके पास 12 साल से आ रहे हैं, हमारे में सब कोई साधना सिद्धि नहीं है, हम जहाँ है वहाँ गलत है, ये कि आप जहाँ है वहाँ है बोला बहुत गलत है, आप जहाँ वहाँ नहीं है, आप बहुत महान बन गए। मैंने इसे इसके पहले इसका भी उदाहरण दिया था, एक आदमी मेरे पास आया था, गुरु जी मैं रोज गुरु मंत्र जप करता हूँ, गुरु का भी करता हूँ, क्या बताऊँ गुरु जी, बीवी गलियाँ देती, गली वाले गलियाँ देते, जाते जाते दोस्त मंत्र मंत्र मांत्रिक है, तांत्रिक है, ऐसी गलियां देता है, मुझे चिढ़ाता है। और क्योंकि कल तू भी सासू बनने वाली है, तेरे को भी बहू आई है, वो क्या करेंगे इसके बारे में नहीं, हमारे संसार में हम यहाँ तक नहीं रहते, हमारी गाड़ी तो अभी चलते ही नहीं है, ये संसार का संसार के साथ में चलता ही चलाता हुआ लीला है। हम इस संसार को जब तक हमारे पूर्वजों को हम देखते हैं, जब तक हमने हम कहाँ रुके हैं, आज हमारी साधना सिद्ध क्यों नहीं हो रही है, साधना सिद्ध होने के लिए हमें क्या करना है, हम कहाँ रुके थे और गुरु जी हमें कहाँ से कहाँ ले जाए। आप कहते हो मेरे साथ 12 साल जुड़े हुए तो आप कैसे आप ऐसा समझते हो कि गुरु जी हम 12,000 साल जुड़े और हर एक हम पुस्तकों में देखते हैं एक एक किसी हजार हजार साल तपस्या कर रहा था तभी उसकी साधना सिद्ध नहीं हो रही थी। आप 12 दिन करते थे तेरा लेकिन गुरु की शरण में आकर हर व्यक्ति 12 दिन से साधना करा था, अरे तेरे 12 दिन किसके लायक है, किस काम के 12 दिन, हजार वर्ष किए थे मुसलमान की तारा में अभी करके 12 दिन किया और ये 12 दिन कर दूसरी बार 12 दिन करते हो आप उन 12 दिन कर क्या कहने को फिर 12 फिर कैसे दिन और 40 सेकेंड या तो बिगड़ने की या तो टूटने की या तो मिलने की ये बात में कोई हुई थी। तब गुरु कहता है कि अब तुम जो आज तुमने जो किया है वो सब जितना भी था वो तेरे लिए किया है क्योंकि गते जन्म से वो तेरे लिए ही कर रहा है, आज हम जो भी साधना कर रहा है वो तेरे लिए कर रहा है,
कभी मेरे लिए साधना करके दे, ये सीखना भी क्योंकि मैं वो भाई वो ध्यान दे देता हूँ, मैं वो कुबेर हूँ, मुझे सब कुछ दे सकता हूँ, मुझे छोड़कर दूसरों को प्रार्थना कर रहा है, दूसरे देवताओं के पास जा रहा है, और दूसरे देवताओं के पास जाते हुए गुरु जी के लिए दो कह रहे हैं, और गुरु जी को हंसी आती है कि जब मैं तेरे को देवता बताने का मार्ग बता रहा हूँ तो मुझे प्रार्थना ना करते देवता को प्रार्थना कर रहा है और मुझे छोड़ दे रहा है, मेरे पास आकर देवता नहीं दे रहा, कैसा देवता दे रहा, मैं देवता बन रहा, देवता यहाँ बैठा हुआ, देवता का प्रश्न किया, अपने पास ही भगवान वेंकटेश्वर जी भी हुई, लक्ष्मी को गुस्से के साथ आकर तिरुपति में बालाजी में लक्ष्मी छोड़कर चली गई, लक्ष्मी जाकर कोल्हापुर में बैठी और भगवान बालाजी आए अपने पर्वत पर बैठे, लक्ष्मी जी का जब हुआ कि अच्छा अच्छा लक्ष्मी तू रुक कर गई तो क्या वहाँ पत्नी है, तू रुक कर गई तो क्या मैं नहीं जी सकता क्या, बोले आए ये, लेकिन बात बात में हो गई थी अपने तो शरीर जैसे यंग होते हैं शरीर को प्यार हो जाता है, बालाजी को प्यार हो गया, प्यार हो गया पद्मावती जी से, अभी लगा कि पद्मावती जी ससुराल वाले के लिए नौकरी है क्या, अभी कहा कि बालाजी कहाँ से नौकरी करेंगे, पैसा कहाँ नहीं, अब नौकरी नहीं है तो लोगों को दे देंगे, कोई बच्ची देते हैं क्या, नहीं देते, शादी करेगा तो कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से रहूँगा, बालाजी को प्रश्न बड़ा साला कहाँ से जाऊंगा, अभी जहाँ यहाँ है तो लक्ष्मी है जो है और लक्ष्मी उठ के लिए वो तो आने वाली नहीं, मैं लक्ष्मी को उठूंगा तो सब नीचे, लक्ष्मी को नहीं पूछना, लक्ष्मी आएगी नहीं, शादी तो होनी है, पद्मावती से प्यार हो गया, अब आगे क्या करें, तब उन्होंने क्या किया, जाकर कहा कि हे भगवान कुबेर जी मेरे शादी के लिए लोन दे दो, लक्ष्मी तो देने वाली नहीं है, आप जरा मेरे को लोन दे दो, मैं किसी भी तरह लोन चुका दूंगा आपके पास, कुबेर बहुत धनाढ्य कोषागार के आदमी, इस तरह के धनाढ्य के उनके बारे में कुछ पूछो नहीं, यहाँ का इंटरेस्ट वाला आदमी कभी अपने को छोड़ नहीं सकता है, वो कभी छोड़ते नहीं आता, एक पैसा भी छोड़ते नहीं, बालाजी को बोले बालाजी आप भगवान होंगे मैं बाद में मानता हूँ, सब तो मानता हूँ, जरा आप जरा आपकी सिक्योरिटी कुछ तो भी रखते हो, दस्तखत तो अगर कर दिया विटनेस में दस्तखत कर दिया कि आपको मैं पैसा दे सकता हूँ, उन्होंने नहीं दिया तो मैं जिम्मेदार, ऐसा कोई बोला जिम्मेदारी की सिग्नेचर हो गई तो मैं आपको लोन दे दूंगा, आप भगवान बालाजी गए गए कौन सिग्नेचर बालाजी ये करेगा, ऐसा वैसा गए सन्यासी नारद महामुनि घूम रहे थे, नारद बोले अरे नारद महामुनि इधर आ जाओ क्या, अरे मेरी शादी हुई, अच्छा है क्या हुआ शादी कर लो, तो महालक्ष्मी का क्या हुआ, आ रहे वो तो घूम के चले गए, फिर आप शादी क्या मेरे किसने बुलाया, अरे थोड़ा काम पड़ गया, क्या काम, उन्होंने बोले वो कुबेर के पास में धन मेरे शादी के लिए पूछा तो सिक्योरिटी विटनेस में दस्तखत पूछ रहा है, मैं क्या करूँ विटनेस में दस्तखत करके वो लोन देगा नहीं तो नहीं देगा, ये मैं वास्तविकता बात कर रहा हूँ, भगवान बालाजी की स्थिति है, भगवान बालाजी नारद महामुनि के पास गए कुबेर के पास गए और कहा कि शादी के लिए पैसा चाहिए, तो कुबेर जी ने कहा नारद दस्तखत करता तो पैसे दे दूंगा, नारद ने दस्तखत करके दे दिए और बालाजी को लोन मिल गया, उन्होंने शादी कर ली, तो कुबेर जी ने पूछा ये बात तो ठीक है इंटरेस्ट हर महीना आना चाहिए, इंटरेस्ट दे दूंगा किसी भी तरह, असल कब मिलेगा, आपको एक एक बात बताऊं, जब यहाँ से वैकुंठ जाऊंगा ना तब लक्ष्मी को किसी भी तरह जाके लाऊंगा तब असल दे दूंगा, आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ, और आज तक बात बेचारे इंटरेस्ट देते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, सुबह 4 बजे जाते हैं, रात के 1 बजे जाता है, आप अगर देखेंगे तो बालाजी का पालकी निकलती है, बालाजी की रथ यात्रा निकलती है, और उनके अग्नि कुंड में कुबेर जी का स्थान है, जो रोज का इंटरेस्ट इतना है अपने इंटरेस्ट करके ले लेते हैं, तो बाजा वहां आगे सारी भगवान बालाजी को सारे सोने के ग्रीट फूल और माला सब पहना के आते हैं, वहां आगे बाला बंद कर दो, कुबेर ना देखे कि मेरे सोने का ग्रीट मंगाने को ले लिया, ऐसा आसन में से निकाल दिया, वहां के बाला बंद कर देते हैं, आज भी आगे थे लोन से आप घबराने वाले नहीं, भगवान बालाजी भी घबराते हैं, तो इस चीज को हम देखते हुए हमें क्या करना है, वास्तविकता बता रहा हूँ, मैं बाजा लेकर आप जाके बालाजी में पूछो कि भाई यहाँ आने के बाद बालाजी की पालकी का बाजा क्यों बंद हो जाता है, तो बोले कुबेर क्या बैठे हुए, अगर देखेंगे कि उनके शरीर पे सोने का किरकर वज्रों का वज्रों की माला पहनी है तो भाई वो पहले देते असल से थोड़ा चुका दूंगा, बोलेंगे इसलिए बाजा बंद, वहाँ कुबेर के पास जाने के बाद बाजा बजता है, आगे पालकी चलती है, तो हम भी गंगा से डरते हैं, ऐसा नहीं गंगा से भगवान भी डरते, हम इस चीज से बाहर करने के लिए जो भी फिर से हिपा हुआ जो चूक हुई जो गलती हुई मांस ने जो लात मारी थी और दोनों में क्रोध आ गया था और दोनों अलग हो गए, ये पूर्व जन्म का हमारे घर कल्याण के लिए बालाजी ने अपना उतार दिया, या महालक्ष्मी कोल्हापुर में जाकर बैठी ताकि संसार में दरिद्रता हट जाए, कोल्हापुर महालक्ष्मी अगर अपने पति के साथ रहते तो वो दोनों सुखी होकर रहते थे, आप लोग नहीं देखते, तब भगवान ने भगवान शिव जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा अगर ये पोषण करने वाले हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों भी हमारे को पालने वाले हैं, अगर ये दोनों पति पत्नी एक जगह जाकर सोते बैठे तो यहाँ के जनता को कौन देखेगा, कैसा होगा,
तब भगवान श्री ने चाल चली और दोनों को अलग कर दिया। अब लक्ष्मी बिचारी अलग करके अपने लोक कल्याण कर लिया और भगवान बालाजी अलग अब अलग लोक कल्याण कर रहे हैं और हम सब भोग रहे हैं। हमारे लिए वो दोनों अलग होकर कट भोग रहे हैं। हम उनको प्रणाम करना चाहिए कि हमारे लिए उन्होंने ये कार्य किया। ये भगवत का कार्य होता है, ये तीन जन्म का कार्य होता है। मैं यही बात आपको समझा रहा हूँ कि आपके जीवन में आज अगर कोई कष्ट है तो कहीं ना कहीं गुरुजन से जुड़े हुए हैं। आपके गुरु ने आपको कहा होगा और आपने कहीं चूका होगा। आपको ले जाते हुए आप कहीं मार्ग में गुरु को छोड़कर भाग गए होंगे या गुरु को छोड़कर गुरु को धोखा दिए होंगे। गुरु धोखा देने से नहीं डरता, क्योंकि तुम गुरु को धोखा दे नहीं दे सकते। गुरु तुम्हें धोखा देने लगा तो तुम कहीं नहीं रहोगे। गुरु चाहता है कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें कहीं ना कहीं मैं पकड़ूंगा जरूर। आज भाग गया तो क्या हुआ, मेरी जान मेरी दोस्त कहाँ तक फैली हुई मुझे पता है, मुझे कैसे खींच के लाना वो भी मुझे पता है और तुम्हें छोड़ देते हैं। तीन बार ले लिया ज्ञान, शिशुपाल की सब गलतियाँ और तुम्हारी भी सब गलतियाँ माफ कर देते हैं। 101 वाली गलती आ नहीं देते, आई तो आपका सर काटने से छूटते भी। गुरु ऐसे ही होते। हम अपने जीवन में कभी भी इस बात को करते समय गुरु के साथ, इस पृथ्वी पर अगर कोई देवता हमारे लिए है तो हमारे लिए गुरु ही देवता है। ज्ञान के लिए हो, धनोपार्जन के लिए हो, आध्यात्मिक हो, आदिदेविक हो और आदिभौतिक हो, हमें मार्ग बताने वाला हो, हमें ले जाने वाला हो, हमारे जीवन में संकट आने पर ले जाने वाला हो। मैं आपके सामने उदाहरण देकर कहता हूँ, मैं यूं ही बातें नहीं करता। मैं भी मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सारे लोगों के साथ देता हूँ। मैं कोई सन्यासी लंगोट लगा कर बैठा हूँ या मैं भाग कर कहीं दूर जाकर जंगलों में बैठा कर आपको सभी को भाषण नहीं दे रहा हूँ। मैं गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते हुए आपको कह रहा हूँ कि मैं गृहस्थ का हर कर्म जानता हूँ, हर कर्म जानता हूँ। एक एक पैसे के लिए कितना दंड रखना पड़ता है जानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपके दादे के साथ कहता हूँ, केवल गृहस्थता के मार्ग पर चलकर मैंने एक कुटुंब ने एक परिवार ने आज 100 परिवारों को लेकर मैं चल रहा हूँ। वो अनुभव के साथ चल रहा हूँ और आपको भी कहता हूँ, गुरु पर एक बार विश्वास करके सारे कार्य करते रहो। मैंने आपको कतई बार भी कहा है, इस बार भी कह रहा हूँ, आपके महीने में 5 दिन केवल साधना के लिए गुरु के लिए छोड़ दो, बाकी का जीवन मैं संभालूंगा आपका। मैं आपके घर में प्रवेश करके आपके जीवन को जवाऊंगा, मैं सुना ले दूंगा, मैं आपको चीजें बताना चाहूंगा। लेकिन अब आप 5 दिन भी नहीं देते, वो 5 दिन के आगे आपको देने के लिए दिक्कत है। मैं अगर कोई 5 दिन आपके जीवन में महीने के निर्णय कर दूँ तो गुरु जी निकल रहा था, निकलते निकलते क्या हुआ, अगर एक्सीडेंट होगा, पाँव टूट गया। अरे पाँव टूटा जब के लिए क्या हुआ, पाँव पाँव की जगह आया, हाथ हाथ की जगह, पाँव को क्या हुआ, कारण बताता। तूने 5 दिन जो मेरे लिए दिए हैं वो देख कर तो देख, मैं तेरा उद्धार करूंगा या नहीं मैं बता सकता। इसलिए हमें जब तक हमारा पूरे बिजनेस में हो, चाहे अपने कार्यों में हो, चाहे उनको संतान नहीं मिल रही हो, चाहे उनका और भी कष्ट कोई भी उसके जीवन में कष्ट पड़े हुए हो, तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए वो लाला है। लेकिन हम उसे बुलाते हैं, हमें किस प्रकार बुलाना है, ये ज्ञान तो दिया ही है, वो कब आके आपके सहायता के लिए ये भी जानते हैं। आपको पता है, इसी के बारे में एक बार आपको इससे पहले भी उदाहरण दिया था। 5 पांडव सब कुछ खा गए, 5 पांडव बैठे हुए थे, दुर्योधन वहां था और दुर्योधन ने कहा, तुम सब कुछ हार गए, तुम्हारी पत्नी को भी हारे, आज द्रौपदी को उठाकर मैं श्री धारण करता हूँ। दुशासन बुलाया श्री धारण के लिए, पीछे रहे 5 पति बैठे हुए हैं, 5 पतियों की द्रौपदी पुकार रही है कि मेरी रक्षा करो, मेरा श्री धारण हरा, मुझे रक्षा करो, मेरे लिए देखो, दुर्योधन को, भीष्म को, धृतराष्ट्र को, आप आमा जी ने मेरी रक्षा करो, देखो मेरा श्री धारण हरा। कोई भी बात नहीं कर रहा है, यहाँ के लोग वहां बैठे हैं और यहाँ मथुरा में आज के बालाएं भारियाएं बैठी हुई हैं और कृष्ण दो दो से कह रहे हैं, इधर उधर बहुत जोर से टहल रहे हैं। सभी लोगों ने पूछा, भाग भाग जा रहे हैं, अरे क्या भगवान कृष्ण आपस में टहल क्यों रही, इधर उधर भाग रहे, बैठे क्यों नहीं, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है, क्या हुआ है, बोलो। कुछ नहीं बोल रहे, कृष्ण जोर से टहल रहे हैं। आदमी की उठनी है, सबके मामा सभी ने कृष्ण को पकड़ कर कहा, बोलो क्या बात है, आप इतने पेशे में टहल रहे थे, अरे तुम्हें क्या बताऊं, द्रौपदी का चीन हरण हो रहा है, सभी उसके पतियों को, उसके उन सभी लोगों को पुकार रहे, मेरे को पुकार नहीं रही, मुझे पुकार तो एक मिनट में रक्षा करता हूँ उसकी। और जब मुझे पुकार करा, कृष्ण को पुकारा, एक मिनट में आए और उसका चीन हरण नहीं होता। तो ये पुकारने की प्रक्रिया में आई। अब जब हम पुकारेंगे तो हमारे पास सिद्धार्थ भी आएंगे। हम पुकार रहे हैं किसको, अपने आप को, अपने मालिक को, हमारे दीक्षित पुकारते हैं उनके मालिक को। सारा हमारा मालिक बहुत बड़ा यजमान, बहुत खराब है, यजमान की खराबी लेकर क्या करें, अपना मशीन खराब है उसके बारे में देखो, हमारा मालिक मेरी पत्नी खराब है, पत्नी क्या करेंगे, तुम्हारा मशीन वो पत्नी मिली कौन, तुम्हें मिलने से पहले भी नहीं विचार किया, तुम्हें पुत्र पैदा हुआ तो देवता नहीं, वो पुत्र तुम्हें पैदा ही क्यों हुआ,
इसके बारे में क्यों नहीं विचार? तुम कांटों से गुजर रहे हो, जो कांटों से गुजरने से पहले वो रास्ता क्यों पकड़ा? फूलों का रास्ता तुम्हें क्यों नहीं मिला? अगर तुम उस फूलों के उस रास्ते पर जाने से पहले अपने गुरु को पुकारते तो तुम्हें कांटों के रास्ते पर जाने नहीं मिलता। लेकिन तुम क्या करते हो? कांटों के रास्ते पर जाने के बाद पुकारते और तब गुरु को कांटों के रास्ते से निकालने पड़े, उसको भी कांटे से बाहर लेना पड़ता है और तुम्हें भी कांटे से बाहर लेना पड़ता है और वो दुख तो डबल हो गया। इस चीज को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले हमें गुरु के साथ संबंध जोड़ने पड़ते हैं, बाद में सिद्धाश्रम योगियों के साथ हमारा संबंध कैसे जुड़े, हमारा प्रयत्न हमें कैसे दिखे, हमें आज कष्ट हो रहे हैं, साधना सिद्ध नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रहे? हम सिद्धाश्रम के पद पर सिद्धाश्रम तक पहुंचने की प्रक्रिया कब करें और दशमांश सिद्ध करें, यह मार्ग बताने के लिए कोई सिद्धाश्रम योगी आपको हो गुरु जी ने अगर आप देखें कि सिद्धाश्रम में जाने के लिए तीन चीजें रखी है, दशमांश गांव में तीन मान क्या सिद्ध होनी चाहिए और कोई सिद्धाश्रम में रहने वाला योगी ही उसकी पहचान करना चाहिए कि ये मेरा शिष्य है, तभी सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकता है। और तीसरा, दादा स्वामी सच्चिदानंद जी के नाम का और उनके गान का, उनके मंत्र का और सिद्धाश्रम में रहने वाले प्रकृति का, जिसको ज्ञान हो, जो रास्ता हो उस पर चल कर निकल गए हो, ये तीन जिसको ज्ञान है वही सिद्धाश्रम पहुंच सकता है। और हम तीनों से भी अनिज्ञ हैं, हमें ये तीनों भी पता नहीं है, हम जाए नहीं जी, हमें पता ही नहीं। सिद्धाश्रम से एक बार जुड़ गया तो आदमी चाहे ग्रस्त हो, आपको पता है, चाहे स्वामी सिद्धांत में भी सिद्धाश्रम की योगी हो या स्वामी स्वामी में सिद्धाश्रम की योगी हो, सिद्धाश्रम गए बाद में भी वो यहाँ ग्रस्त होकर आए और कैसे संपन्न प्रश्न किए हैं आपको गुरु को पता है। सिद्धाश्रम इसलिए जाना चाहिए कि हम यहाँ आने के बाद अपने को अगर कांटे भी छूटते हैं तो हमें कांटा खुद ही खुल के नजर आता है, सांप की माला में गले हो तो फूलों की माला नजर आती है, विश्व अमृत समान होता है तो सिद्धाश्रम पहुंच कर यहाँ एक बार आता है, सिद्धाश्रम योगी के साथ अपना संबंध रखता है, उसको कष्ट कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचता। और इस ज्ञान के लिए सिद्धाश्रम में भी अपने साथ हमें मार्गदर्शन करने वाले हो और हमारे लिए भी आने वाले कष्टों का पहले ही वो उजागर करे और हम उस मार्ग पर चले, ये साधना करने के लिए गुरु को पुकारना होता है। और गुरु मार्ग बताता है कि तू किस योगी के साथ पहले जुड़ा हुआ था और जो योगी तेरे साथ साधक है, मैं तेरा निवेदन कर रहा हूँ कि ये साधना कर, इस साधना कर तेरे सिद्धाश्रम योगी आपका तेरा मार्गदर्शन करेगा, तू आगे बढ़ सकेगा, तेरे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा, ये गुरु बता सकता है। लेकिन हम इस करने से पहले कभी विचार नहीं करके जाने जीवन में क्या होगा, क्यों इतनी साधनाएं किए और हमारी एक साधना भी सिद्ध नहीं थी, हम साधनाओं को रोक कर क्यों रखते हैं? और गुरु जी ने एक किताब लिखी थी सिद्धाश्रम योगियों की 12 साधनाएं और उन्होंने इसमें कहा था, मैं ये साधना कर रहा हूँ, वो पुस्तक अभी छप कर बाहर बहुत कम आई थी और अपने आश्रम में निर्भय जो कम से कम 7-8 साल जो में रहे भाग्य से उनको वो प्रति मिली और उस प्रति में वो साधनाएं 12 साधनाएं थी, उसमें से एक साधना यह साधना है गुरु ने कहा था कि जिसके जीवन में ऐसी अड़चने आ रही है, एक भी साधना से नहीं हो रही है और उसके व्यापार में उसके घर में कोई भी सफलता नहीं मिल रही है, जो इस साधना को संपन्न करेगा उसके जीवन में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी और हर व्यापार में क्यों नुकसान हो रहा है तो योगी उसको डायरेक्शन करते हुए आगे बढ़ेगा, उसको मार्गदर्शन करेगा और वो आगे बढ़ेगा, उसके जीवन में कभी असफलता को नहीं देख सकेगा जिसके साथ सिद्धाश्रम योगी की साधना है। आज मैंने जैसे आपको कल बताया कि स्फटिक माला इसलिए क्या हो कि ये साधना कठिन जरूर है, आपको इस साधना के करते समय में आपको ऐसा लगेगा कि आपके अग्नि फुट में फोन आ रहा है, आज तो कोई पहाड़ फूट कर पड़ने वाला है, लेकिन जो अवचन होकर इस साधना को संपन्न कर लेता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं आती और कोई बाधा आने से पहले इसको मालूम पड़ जाता है कि मेरे जीवन में ये बात आने वाली है और मैं इसका इसमें इसके रेमेडी किस तरह करूँ या इसका उपाय किस तरह करूँ, इसको सिद्धाश्रम योगी योग्य प्राप्ति साधना कहा गया है। ये जीवन में भगवान श्री कृष्ण की थी, दुर्योधन ने की थी, बाद में उन्होंने द्रौपदी और पांडवों के साथ की यही साधना करो जो वनवास भूल करा रहे थे। कृष्ण को पांडव ने पूछा था कि हमें ये वनवास क्यों होगा, तो कृष्ण ने पांडवों को जो बात बताई थी कि तुम्हारे प्रियजन का सिद्धांत किस प्रकार का था और तुमने क्या किया था जिसके वनवास में बांधव बना था, द्रौपदी कौन थी, द्रुपद राजा कौन था, उसका पुत्र कौन था, कृष्ण ने समझाया और पांडवों को कहा प्रभु ऐसी साधना हमें दे दो कि आगे हम ऐसी बाधाएं न भोग सके, और कृष्ण ये साधना देकर अपने द्वारा चले गए थे। और ये साधना बात करने के बाद जब धर्मयुद्ध का जीवन हुआ, आप पांडवों का बाद का जीवन देखो, आप उन्होंने उस जीवन में आने वाले हर घटना का पहले नहीं हुआ, जब 5 उपपांडवों को मारने जाने से अश्वत्थामा तो इसका ज्ञान पहले ही द्रौपदी को हो गया, पहले ही अर्जुन को हो गया, लेकिन यह ज्ञान पहले नहीं रहने के कारण उनको वनवास और वो जुए में सब कुछ आता था। हमारे इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो साधना की जाती है हमारा प्रयोजन क्या है, आने वाला जन्म क्या होगा, हम आज कहाँ हैं और हमें किनके साथ मिलना है, ये साधना करने पर ही पता चलता है। इसी सिद्धार्थ योगी प्राप्त करना है, हम कहीं चुके
तो कहां छूट गए हैं, हमें कहां जाना है? वो योगी तुम्हें अपने साथ ले जाता है, ले जाकर कहता है तुम यहां खड़ा हो जा, तेरे को मिलने वाला योगी आने वाला। यही साधना परमपति सद्गुरुदेव जी ने मुझे यहां करवाई और मुझे करवाई थी। कितनी घंटा लगा आपको, मैं एक बार नहीं 10 बार लगा मुझे ये साधना गुरु जी की प्रकार करवाई थी। वो कष्ट तो मैं आपको नहीं दे रहा, वो कष्ट देता भी तो मुझे बताया असाइनमेंट करके, यहाँ इस एकदम 1000 लोगों में मैं समझता 10 लोग भी रह गए तो मेरा भाग्य होगा, मैं साधना होता हूँ। तो इससे पहले भी मैंने बहुत बार बताया, मैं एक बार गुरु जी के पास दिल्ली गया, यूं ही दर्शन के लिए गया, गुरु जी से मिलने में दिल्ली आया, मैं काम के लिए गया था, दर्शन के लिए गुरु जी ने रुका तो गुरु जी कह रहे किसी आ गया, मैं समझा आ गया, कहाँ गया, गुरु जी दर्शन के लिए आया, इसे आ कर गए कितने पैसे हैं, बोले कोई बड़ी दो ढाई हजार होंगे मेरे पास, चलो धीरे धीरे कुछ बोले, अरे ढाई हजार तो 1000 कैसे पहुंचा, 1 घंटे सन्नाटा आदमी कैसे पहुंचा, 2500 निकाल के गुरु जी के हाथ कर दिया, उसमें से 100 रुपये निकाले,